वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर से खेलने वाले ग्रैनी चैप्टर 4 और इसके अंदर ग्रैनी ग्रैंडपा सेलेंडिना और उसका पति चारों मिलकर हमें घर से भागने के लिए भागने नहीं देगा भाई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले। तो हम यहाँ पर जंगल के अंदर से मेरा गाड़ी लेके जा रहा था पर सामने देखा कुछ पेड़ वगैरह यहाँ पर गिरा हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा गाड़ी को यहाँ पर रुकवाया और गाड़ी से बाहर निकला देखने के लिए कि पेड़ कैसे गिरा और गाड़ी लेके मैं कैसे जा सकता हूँ सामने से। और सामने की तरह मुझे घर भी दिख रहा है अंधेरे में जंगल के अंदर। भाई जंगल के अंदर ऐसे फंस जाओ ना तो दिक्कत हो जाता है भाई। यहाँ पर देखो बहुत सारा पेड़। भाई यहाँ पर कुछ साउंड हो रहा है। ओ भाई ये कौन है भाई साहब? ये था सिलेंडिन का पति या ग्रैंड का जमात था जो भी बोल सकते अब लोग। उसने मार के मुझे घर के अंदर बंद कर लिया और अभी मुझे यहाँ पर घर से भागना है। डे ऑन अभी स्टार्ट हो चुका है और आपको तो पता है ग्रैनी चैप्टर 4 कितना ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो चलो आज हम 100% कोशिश करने वाले, जितना हो सकता है हमसे उतना हम कोशिश करने वाले इस घर से भागने का। चलो अभी हमें यहाँ पर चाबी तो मिल चुका है इस घर से बाहर निकलने। तो चलो ओ भाई साहब बाहर ही निकल रहा था तो इधर देखो भाई बाहरी एप पर ग्रैनी खड़ा हुआ है। भाई अभी अगर बाहर निकल जाता तो पहले दिन ही बाहर निकलते ही मुझे मार देता भाई और पहले दिन यहाँ पर खराब हो जाता। कोई ना, ग्रैनी तो उधर के साइड जा रहा है तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सामने की तरफ ग्रैनी उधर देखो जा रहा है और इधर के साइड और कोई भी नहीं है। तो मैं इधर के साइड थोड़ा सा इस घर के अंदर जो डोर वगैरह है उसे थोड़ा चेक कर लेता हूँ फटाफट से कि इधर कुछ मिलता है कि नहीं। और इस ग्रैनी 4 चैप्टर 4 के अंदर सामान बहुत ज़्यादा कम मिलता है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और उसके ऊपर से मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कहाँ पर क्या मिलता है, कैसे एस्केप कर सकते भाई। ये पर देखो ट्रैप लगा रखा है तो बहुत ही ध्यान से। ये पर तो कुछ मिला है भाई, लीवर मिल चुके मुझे और ये लीवर कहाँ पर लगता है मुझे पता है। तो चलो फटाफट से लीवर को लेकर चलते और लगा। वो भाई वो देखो सिलेंडिन का पति ऐसे जा रहा है भाई। कोई ना, मुझे नहीं देखा उसने तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वो देखो सामने जा रहा भाई, कितना लंबा सा हाथ मुँह या पर इसका कैसे हाइट टाइप का हो गया है भाई। उधर के साइड नहीं, बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है? ओके उधर सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है, वहाँ से हम साथ से बाहर जा सकते हैं। और ये जो लीवर है बाहर ही लगेगा भाई। ओके बाहर आ चुका हूँ मैं घर से बट ये स्केप नहीं किया मैंने, बट घर से बाहर आ चुका हूँ। और इधर के साइड मुझे थोड़ा जाने के बाद ये पर लीवर लगाने का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर लीवर लगा के कि क्या होता है भाई। लीवर को लगा देते भाई, यहाँ पर ग्रैनी का साउंड भी मुझे मिल चुका है। ग्रैनी यहाँ पर बोल रहे हाई टेंस सी भाई, जो बोलता है वो हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर बोल रहे भाई साहब। ओके यहाँ पर मुझे लगा नहीं इस लीवर को। तो फटाफट लीवर को लगा के ऑन करने के बाद यहाँ पर देखो एक गेट ओपन हो चुका है। आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है ये गेट ऊपर में है, सेकेंड फ्लोर में हमें ये वाला गेट है जो कि ओपन हुआ है। और ये चीज़ पहले ही मुझे मिल गया था तो एक गेट ओपन हो चुका है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आई थिंक मुझे। तो कोई ना फटाफट से अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के ओ भाई साहब, भाई क्या हो रहा है ये? स्लैंडिन आके पहले ही मुझे धप्पा दे गया भाई। स्लैंडिन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसके ऊपर से ग्रैनी आ चुका है। क्योंकि ग्रैनी का तो मैं पीछा छुड़ा लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी इजी मोड के अंदर ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि भाई इजी मोड के अंदर ही इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते भाई, यही चीज़ का भाई कमी था बस। उधर से ग्रैनी आ रहा है, इधर से ग्रैंडपा आ रहा है और अभी स्लैंडिन जा गया है और अभी नसेफारुटू या क्या नाम है वो ना आ जाए बस। तो चारों का चारों मुझे मिल के खेलेगा भाई। ग्रैंडपा को मुझे चकमा देना पड़ेगा। आई थिंक मैंने चकमा दे दिया भाई दोनों को ही देख के इधर के साइड आ चुका। बहुत ही बढ़िया भाई, इधर की साइड एक चीज़ मिल चुका है, बैटरी। आई थिंक कार की बैटरी होगा या कार की बैटरी मुझे नहीं पता बट किसी की चीज़ का बैटरी तो मिल चुका है, किसने किसी तो काम आएगा भाई। चीज़ें मिल जाए तो बढ़िया भाई, बैटरी मिले या हैमर मिले, कुछ भी मिले भाई, जो भी मिलेगा काम का चीज़ ही मिलेगा भाई। जो भी एस्केप हो सकता है मुझसे वो एस्केप भाई कर लूँगा आज। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि डोर एस्केप करना या कार एस्केप करना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो एस्केप हो पाएगा वही एस्केप कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इसके अंदर स्किप ही करना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। उसके ऊपर से मैं आकर ऐसे करना चाहूँगा तो दिक्कत हो जाएगा उसके ऊपर। ओ भाई भाई ये परेशान करता है इतना ज़्यादा स्लेंडिना मुझे, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। क्या ही बताओ, सबसे ज़्यादा परेशान यही करता है, डर भी इससे सबसे ज़्यादा लगता है मुझे। ओके इधर आई थिंक नीचे का जितना एरिया है सब मैंने देख लिया सिवाय इसके छोड़ के, तो इसको भी फटाफट खोल लेते हैं भाई। ये ड्रॉअर खोलना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात होता है भाई इधर, क्योंकि ये एम करना पड़ता है करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ओके कोई ना, कुछ भी करके तो मैंने ये पर सब कुछ चेक कर लिया, और अभी नीचे का जो एरिया है पूरा मैंने चेक कर लिया, नीचे कुछ भी नहीं है, जो भी था वो सब कुछ मैंने ढूंढ लिया अभी। तो अभी मुझे ऐसे जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि जो भी चीज़ मिलेगा अभी मुझे ऊपर ही मिलेगा। तो चलो बैटरी को हाथ में लेके ऊपर चलते और देखते क्या मिलता है। आपको क्या लगता है आज हम ये पर एस्केप कर पाएंगे या नहीं? ये पर लगता है वो बुक जो होता है वो बुक लगेगा, और वो बुक तो मुझे पहले ही मिल चुका है, पहले ही मिल जाता है हमेशा भाई। जितने बार मैंने आज तक खेला है ग्रैनी चैप्टर 4 को, बुक तो मिल ही जाता है भाई पहले। कोई ना, हमें बुक तो मिल चुका है। और इधर बुक लगाने का ऑप्शन तो नहीं है? नहीं, इधर कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक उधर ही लगेगा बुक। चलो अभी हम तो ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर ये पर रहते हैं वो नसेफरेटू या क्या नाम है उसका, आई थिंक आई डोंट नो, बट वही रहता है ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। तो उससे बच कर रहना पड़ेगा, और बच के हमें सारे के सारे चीज़ यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो चलो अभी दरवाज़ा बंद करते हैं, अंदर आ चुका हो, और अंदर आके यहाँ पर देखते इसके अंदर क्या है। ओके इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, और इसको खोलने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर और कैंची टाइप का कुछ तो चाहिए होगा, जो कि दोनों में से किसी भी चीज़ अभी मेरे पास नहीं है। चलो अभी बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के नॉसेफरेटू से बच के, क्या नाम है उसका, नॉसेफरेटू है ना, कुछ भी हो अब लोग एडजस्ट कर लो, थोड़ा उसका नाम में गड़बड़ी हो रहा है अगर तो। लो भाई उसका ही साउंड है, वो देखो सामने से आ रहा है भाई। बहुत ही ज़्यादा भाई डर गया था भाई मैं अभी, फटक से कैसे सांप के तरह सा करके उठता है भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे। वो देखो सामने से आ रहा है, कोई ना, क्या हम बच के जा सकते हैं उधर के साइड? नहीं, रिक्स नहीं लेना है, इधर के साइड हम रिक्स ले सकते। इधर के साइड वो अगर आएगा तो उसको घुमा के मैं राइट की तरफ से अंदर चला जाऊँगा, और लेफ्ट की तरफ से अंदर चला जाऊँगा। तो पहले उसको इस रूम के अंदर आने देते। आजा 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 भाई, बोलो आ चुका है वो। तो भाई ये बस चेयर गिर गया, इससे भाई दिक्कत होने वाला है मुझे लगता है। ओके इधर के साइड आजा भाई, भाई बोला था भाई चेयर था गिर गया था इधर, इसलिए थोड़ा सा मैं घूम के जा रहा था, वो उसने पकड़ लिया, नहीं तो मैं भाई निकल जाता यहाँ से, पकड़ ही नहीं पाता उसने मुझे। कोई ना पकड़ लिया, पहला दिन मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और अभी दूसरा डे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और मुझे ऊपर सेकेंड फ्लोर में कुछ भी चीज़ अभी तक नहीं ढूंढा। और अभी तक मुझे एक लीवर मिला है, और बैटरी मिला है, और एक बुक तो इधर पड़ा हुआ है, और कुछ भी मुझे नहीं मिला। तो चलो बुक को भी उठा लेते ऐसे, और इसको लेके ऊपर चलते। ऊपर जो ओ भाई साहब तेरी बहन की, भाई साहब ये स्लेंडिना का भाई कुछ करना पड़ेगा भाई, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है भाई, मुझे इनसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे लगता है ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया, पीछे की साइड से आ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज मैं पिटने वाला। ओ भाई साहब साहब दिक्कत होने वाला है, मौसम आ रहा है, और उधर के साइड से ग्रैंडपा आ रहा है। बच सकते क्या? बच गया भाई, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया भाई। कुछ भी करके मैं निकल के आ चुका इस बार, इससे पहली बार तो मैं ऊपर फंस गया था, मुझे मार दिया था नॉसेफरेटू ने, बट इस बार मैं कुछ भी करके बच कर आ चुका। और अभी लगता है कि ग्रैंडपा नीचे जा चुका है, क्योंकि उसका आवाज़ सुनते ही मुझे पता लग जाता है वो ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, वो हंगरी बोल कर नीचे ही गया है भाई। कर इतना ज़्यादा है वो, क्या बताऊँ आपको। कोई ना उसको नीचे जाने देते, और अभी हमें चाहिए सामान, हमें यहाँ पर सामान कुछ तो दिख रहा है भाई, यहाँ पर रस्टी सीजर मतलब कैंची, अब बोल सकते हो कैंची से हम इसको हटा सकते हैं? नहीं, इसको हटाने के लिए हमें हैमर चाहिए, और ये वाला जो गेट था यही ओपन होता है ऊपर लीवर को लगाने से। ओके कोई ना,
और इधर है कार, और इससे हम स्किप कर सकते हैं। देखते हैं क्या चीज़ हमें मिलता है स्किप करने के लिए और क्या स्किप हम करते हैं। भाई गेट ओपन किया और सांप की तरह फंस फंस करते करते आ रहा है उधर की तरफ से नशे पर। चलो कोई ना, उसको आने देते हैं। हमें इधर चेक करते हैं और इधर रास्ता है जिससे हम नीचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इधर आ भी जाए, वो देखो दूर से आ रहा है। ईजी मोड में खेलो इसलिए थोड़ा आसानी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे आ रहा है चल के, नहीं तो दिक्कत हो जाता। कोई ना, अभी वैसे तो मैं नीचे आ चुका हूँ और हमें यहाँ पर आई थिंक नहीं, इसको लेके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एक चीज़ है रस्सी है जिसको मुझे करना पड़ेगा। बट उससे पहले मुझे और एक चीज़ चाहिए जो कि है यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के मदद से हमें स्क्रू को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कैंची से हमें उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर जो चीज़ है वो हमें मिल सकता है। पर अभी तक मुझे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला। कोई ना, फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं लगता है गलत साइड पे जा रहा हूँ। कहाँ पर आ चुका भाई? ओके, नहीं नहीं नहीं, पहले जिस घर से मैं निकला था उधर के साइड में आ चुका हूँ अभी तो। कोई ना, जो भाई आपने एक चीज़ क्या देखा भाई, उधर नशे फालतू भाई उधर खड़ा हुआ है भाई, ऊपर कैसे जाओ? उसको नीचे बुलाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो रुको एक मिनट, वो कैंची मेरे पास था ना, उसको लेकर आते और उधर साउंड करते ताकि वो उधर आ जाए। नहीं भाई, मेरे दिमाग में और प्लान अभी घूम रहा है भाई। इधर के साइड से ग्रांड पा भी आ रहा है और उधर ग्रैनी का भी मैंने देख लिया है। तो भाई तेल तो रुक जाओ, अभी वो देखो ग्रैनी आ रहा है, ग्रांड पा भी आ रहा है। नसीबेट इधर से हट गए क्या? ओके, वो तो अभी जा चुका है, अभी इधर के साइड में नहीं है। बैटरी को फटाफट उठाते हैं, हाथ में लेकर चलते हैं। कौन सी जगह पर लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, बट किसी जगह और काम में आ जाए तो मजे आ जाए। क्या बोलता है लोग भाई? तू देखते रह जा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा अभी, तू परेशान मत कर ज़्यादा ग्रह, क्योंकि भाई मार दूंगा मैं। ये पर लीवर मिला है आई थिंक, हाँ नहीं हैंडल मिला है, हैंडल। और हैंडल कहाँ पर लगेगा भाई? इधर लगेगा, क्योंकि इधर भी कुछ मिला है। स्क्रू ड्राइवर मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। मुझे ऊपर आए तो फ़ायदा ही हुआ है, दो चीज़ मिल चुके हैं। और अभी हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से एक स्क्रू हटाना है उधर के साइड। चलो बहुत ही बढ़िया, इधर आके तो फ़ायदा ही हुआ है, मुझे दो चीज़ नीचे मिल गया। एक तो क्या मिला उधर, हैंडल मिला और स्क्रू ड्राइवर मिला, इससे भी नहीं हटा सकते, इसको हैमर ही चाहिए होगा। पर हैमर मुझे अभी तक नहीं मिलेगा, और हैमर कहाँ पर मिलेगा ये भी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है भाई। उधर ऊपर जो चीज़ मुझे अभी हटाना है स्क्रू ड्राइवर और कैंची के मदद से, आई थिंक उधर मिल सकते, क्योंकि उधर बड़ा जगह है, हमारा बड़ा ही होता है तो उधर रख सकते हैं भाई ग्रानी, क्योंकि ग्रानी के पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है भाई, मेरे पास तो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं है। और चारों मिल के दिमाग लगाएगा तो दिक्कत ही होगा ना, चारों मिल के दिमाग लगा के यहाँ पर चीज़ें कि यहाँ पर छुपा के रखा है, तो इसलिए मुझे ढूंढने में आसानी नहीं होने वाला है। कोई ना, चलो फिर से हमें ऊपर जाना पड़ेगा इधर की साइड से, और सबसे पहले उधर स्क्रू को हटाना पड़ेगा। और इधर तो कुछ भी नहीं है, चलो इधर कोई भी नहीं दिख रहा है आई थिंक इधर के साइड कोई भाई। उधर नॉसफेरोटू का साउंड आ रहा है, उसका हंसने का आवाज़ मुझे आया है भाई अभी तो। कहाँ पर जा रहा हूँ मैं? ओहे हाँ, इधर के साइड भी मुझे एक चीज़ ओपन करना है भाई। दरवाज़ा बंद हो जा, ये क्या परेशानी है भाई, भाई दरवाज़ा ही बंद नहीं हो रहा है भाई, क्या करूँ मैं? आजा दरवाज़ा बंद हो जा, दरवाज़ा बंद हो जा। अरे भाई टैप कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा। लो इस बार हो गया, चल फटाफट से इसको हटा दे, देखते इसके अंदर से क्या मिलता। अच्छा सा कोई चीज़ मिल जाए भाई, कार की मिल चुके हैं। ओके मज़ा आ गया, कार की के मदद से आई थिंक हम कार स्किप कर सकते हैं। बट कार स्किप करने के लिए मुझे और भी चीज़ें चाहिए होगा साथ से। ओ भाई देखिए भाई, ऐसे आसान अच्छे कौन आता है भाई, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझे इनसे। तुम मत आया कर स्लैंडी ना, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है मुझसे। इसको हटाना है भाई, इस दोबारा अगर मैं ग्रानी चैप्टर पर खेलूँ तो इसको हटा दूंगा भाई, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इसे, कितना ज़्यादा परेशान करता है ये, क्या बताऊँ मैं आपको।
कोई ना, अभी तो ग्रैनी उधर के साइड जा चुका है और नॉसफेराटू मेरे पास आ चुका है, आके खड़ा हो चुका है, तो अभी मैं ऊपर जा सकता हूँ। ओके नहीं, गलत रास्ते पे आ गया भाई, कोई ना, नीचे चेक कर लेते, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मुझे ऊपर जाना था बट नीचे की साइड जाने के रास्ते में आ चुका हूँ, तो नीचे भी चेक कर लिया जाए इसी के साथ हाथों हाथ, देखते क्या मिलता है इधर के साइड। अभी तो मुझे कुछ मिलेगा ऐसा नहीं लगता है, पर मिल सकता है, क्या बोलता है भाई, कुछ भी नहीं है, मुझे पता ही था इधर कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसको ओपन करने चलिए, मुझे यहाँ पर डायमंड चाहिए होगा, जो कि अभी मेरे पास डायमंड नहीं है भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, डायमंड कहाँ से लाऊंगा। चलो कोई नहीं, डायमंड तो मुझे मिल जाएगा भाई, विश्वास रखो खुद के ऊपर, सब कुछ हो जाएगा, और थोड़ा सा टाइम दो। भी ऊपर चलते हैं, और मुझे जाना होगा अभी सेकेंड फ्लोर में, और उधर ही मुझे मिलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि नीचे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है। ले साले इधर क्यों खड़ा हुआ है, और ग्रैंड पानी भी मुझे यहाँ पर देख लिया भाई, आ रहा है, कोई ना, मैं इधर छुप जाऊँगा, पकड़ नहीं पाएगा वो, मैं इधर घुस चुका हूँ और वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऊपर जाने से मुझे यहाँ पर रोक रहा है हर बार ऊपर स्लेंडिना का पति भाई, दोनों मिल के मुझे दिक्कत में डलते हुए, एक स्लेंडिना उसके ऊपर से उसका पति, दोनों मिल के मुझे परेशान कर रहे थे। लो अभी भी उधर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर से ग्रैंड पाने भी, ओ भाई बच गया बच गया, अभी पकड़ लेता उसने, बट कोई ना, बच गया हो मैं अभी। तो बाहर ही जब आए हो तो ऊपर चल के देख लेते, ऊपर उस रूम के अंदर क्या क्या है, अगर हैमर मिल जाए तो उस रूम को खोलने से मुझे क्या क्या मिल सकता है। और ग्रैनी ग्रैंड पर मेरे पीछे आ रहे हैं, तो मुझे फटाफट से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं तो ऊपर आ चुका हूँ, और दोनों ऊपर नहीं आ सकते, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं इधर मरने नहीं वाला हूँ। चलो भाई ऊपर थोड़ा देख लेते हैं भाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ, हाथ ही नहीं पहुँच रहा है मेरा, तो ग्रैनी ग्रैंड पर कैसे पहुँचेगा। चलो नीचे पूरा दिख रहा है, और इस बार घर थोड़ा अपग्रेड कर लिया, ग्रैनी ग्रैंड मैंने थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया। चलो इधर भी प्लैंक्स लगा हुआ है, ओके भाई नीचे मुझे डायमंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ओके देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ, ओ देखो भाई डायमंड पड़ा हुआ है उधर, और इधर ड्रॉअर भी है एक, तो हमें उससे इस प्लैंक्स को हटाने से एक तो डायमंड मिलेगा और कुछ मिले या ना मिले बस। चलो तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर है हैमर को ढूंढना, अभी अगर हम हैमर को ढूंढ लिए तो हम गेम में आगे बढ़ सकते, नहीं तो भाई आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि और कोई सामान मेरे पास अभी मिलने का कोई चांस नहीं है हैमर के अलावा, तो अभी हैमर ही मिलेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो फटाफट से ऊपर चलते और स्क्रू को खोलते और कट करते, और नहीं रस्सी को कट करते, और देखते वैसे क्या मिलता है। चलो अभी निकलते, बट सामने अगर ग्रैनी ग्रैंड पर नॉसफेराटू स्लेंडिना कोई भी आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो मुझे बच के जाना पड़ेगा अभी तो। ओके ग्रैनी उधर के साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे ऊपर नहीं जा रहे, बस इतना पता है मुझे, तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, ऊपर खाली है पूरा का पूरा। चलो वो एक ही आदमी से मुझे बच के रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई मैं बच जाऊँगा। चलो अभी आ चुका हूँ साथ से, इधर नहीं वो वाला रूम कहाँ पर है, रूम मिल चुका है इधर की साइड है वो वाला रूम, फटाफट से ओपन करो, दरवाजे को बंद कर देते, नहीं तो वो अगर इधर मुझे देख लिया तो दिक्कत कर लेगा। चलो इधर ये दो स्क्रू को मुझे हटाना है, तो फटाफट से दोनों स्क्रू को हटा देते हैं, और इसी रस्सी को मुझे कट करना पड़ेगा, अभी उसके लिए मुझे कैंची लेना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, और कैंची मैंने कहाँ पर फेंका था भाई, मुझे जहाँ तक लग रहा है नीचे ही फेंका था मैंने। कैची कैची भाई नीचे ही फेंका था ना, इधर क्या चमक रहा है भाई, वो हैंडल्स हैंडल्स चमक रहा है भाई, भाई ग्रैनी आ रहा है, ग्रानी ग्रानी आ जा ग्रैनी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ऐसे नीचे चला जाऊँगा, ऐसे भी मुझे नीचे ही जाना है कि मेरा सामान नीचे है। इधर कुछ है क्या? इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी रहता भी नहीं है, हमेशा की तरह खाली भी पड़ा हुआ है।
चलो नीचे चल जाते हैं, नीचे आ चुका अभी तो मैं स्क्रू ड्राइवर को लेके। कैंची साथ से मैंने इधर ही किस जगह पे कहा था, इधर टेबल के ऊपर साथ से मुझे मिल जाएगा। ओके मिल चुका है कैंची, रस्टी सीजर या क्या नाम है साथ से, यही नाम मैंने ध्यान से नहीं देखा, कुछ भी हो कैंची। आजा आजा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ भाई। साले ग्रैंडपा देखो पीछे घूम घूम के देखते देखते जा रहा है कि वो देखो देख लिया वो उधर से भी मुझे दे। ओ नहीं 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 बाहर नहीं जाना है भाई, बाहर जाऊँगा तो पूरा राउंड लगा के आना पड़ेगा। वो दिक्कत होने वाले, दिक्कत होने वाले क्योंकि भाई कुछ ग्लिस टाइप, ग्लिस नहीं लैग टाइप का हो चुका था। कोई ना भाई बच गया हूँ मैं। वो ग्रैनी बाहर जा रहा है उधर के साइड से, तो ग्रैंडपा मेरे पास ही खड़ा हुआ है, तो मुझे ग्रैनी को उधर, वो नहीं ग्रैंडपा भी जा रहा है। ओके जाने देते दोनों को, बाहर जाने देते, चलो जा फटाफट से। अबे बुड्ढे जल्दी हट, कितना धीरे हट रहे बुड्ढे साले तेरी तो। ओके बुड्ढा बुड्ढी दोनों जा चुके हैं बाहर, और पूरा घर में सिर्फ सिलेंडिना का पति है, और सिलेंडिना तो कहाँ घूमता है कुछ भी पता नहीं है, कहाँ कहाँ से कभी कभी आ जाता है। चलो पैर का साउंड आ रहा है, इसका मतलब सिलेंडिना का पति आसपास है, नशे फरटू या का नाम है वो आसपास ही है। रस्सी को कट कर दिया मैंने। ओके बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पर मिल चुका है, हैमर। चलो अभी होगा तबाही, देखते तबाही तो नहीं होगा, बट दो तीन डोर हम ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर से क्या सामान मिलता है, अच्छा सा सामान मिल जाए तो मज़े आ जाए, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े भाई। नहीं आ रहा है, चलो कार वाला जो ये है इसको ओपन करते फटाफट, जैसे तीनों प्लांक को हटा देते हैं। प्लांक हटा दिया मैंने अभी तो, ये धक्का लगा हट जाएगा, हट गया। चलो अभी इसको कैसे नीचे उतरो, ओके इधर के साइड में मुझे लगता है कैंची चाहिए होगा, हाँ कैंची चाहिए होगा मुझे इसको कट करने के लिए। आई थिंक आई कैन कट इट समवेयर ने समथिंग कुछ लिखा हुआ तो नहीं देखा ध्यान से मैंने। गेम में फोकस करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते भाई, बक बक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। चलो चलो कौन से रूम के अंदर कैंची पे था मैंने, वो ग्रानी पे आ रहा है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाओ सब मिल के मुझे मारो भाई, तुम्हारा ही कमी था बस इधर आने के लिए, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सबको इनविटेशन मिलेगा भाई, सबको आना पड़ेगा। अबे तेरी बहन कर रहा है, निकल भैया से, आईसीयू कर रहा है उधर बैठ के। नीचे जाऊंगा तो पूरा घूम के आना पड़ेगा, क्या करूँ नीचे चला जाओ क्या, वो तो नहीं आ रहा है, आई थिंक जा चुका है वो यहाँ से। चलो कोई ना भाई, रिक्स लेके आगे बढ़ते, रिक्स से तो रिस्क है भाई, रिस्क गया माता ने भाई, भागो ये से क्योंकि नशे फट आ रहा है। अबे तेरी कैसे मुंडी घुमाते घुमाते आ रहा है। चलो नीचे आ चुको भाई, वो पर काम नहीं हुआ, फिर से मुझे इन दोनों को नीचे बुलाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद ही मुझे ऊपर जाना पड़ेगा फिर से, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। स्क्रू ड्राइवर कोई काम नहीं, इधर ही छोड़ देते हैं, और सारे के सारे चीज़ तो ऊपर ही भाई। लोग बुढ़े जा रहे, बुढ़े अबे बुढ़े, बुढ़ा नहीं सुन रहा है, बुढ़ा क्या बोलते उसे, बहरा है। ओ ओ नहीं नहीं, तेरा बुढ़ा को मैंने कुछ भी नहीं बोला, तेरा बुढ़ा बहरा नहीं है, बहुत ही सुन क्या बोलते हैं उसका कान बहुत ज़्यादा तेज है, मैंने कुछ भी नहीं बोला तेरा पति को भाई। बुढ़े बोलते हुए भाई ग्रानी गुस्सा हो गया, ग्रानी आने लगा भागते भागते, हाँ मेरा पति को बुढ़ा कैसे बोल दिया, बहरा कैसे बोल दिया, तू रोका भी तेरा बताते हैं, तू भी आ जा भाई, तेरा ससुर को मैंने बोला तू भी आ रहा है, तेरा सास भी आ रहा है भाई, क्या बोलूँ मैं, सारे फैमिली मिल के मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, इनका कोई काम धंधा नहीं है भाई, सारे मिल के मुझे मारने के लिए तुला हुआ है भाई, क्या बताऊँ मैं इन सालों को, पीछे पड़ चुका है अभी मेरा सालो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई, इसका शादी किसने करा है ये पहले बताओ, उसको सबसे पहले पकड़ो भाई,
उसके वजह से हमें इसको झेलना पड़ रहा है। इसका शादी भी नहीं होता तो इसको झेलना नहीं पड़ता। ओके कोई ना, बातें कम करते। अभी तो हमने गाड़ी को नीचे उतर दिया। अभी भाई ऐसे में उस रूम के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रहा है? नीचे जा सकता है क्या? नीचे भी नहीं जा पा रहा हूँ, सामान भी नीचे नहीं गिर रहा है। भाई क्या हो रहा है ये? आ चुका है साले, तेरा बीबी छीन लूँगा। अबे मुंडी कैसे घुमा रहा है तू? हाथोरा फेंक के मार दूँगा, हाथोरा दिख रहा है ना, फेंक के मार दूँगा, मुंडी पे मुंडी घूम जाएगा साले, तेरी सारी बदमाशी निकल जाएगी तेरी। चलो अभी प्लांक हटाते हैं इससे। सबसे पहले प्लांक हटाओ, प्लांक हटाओ और इसको भगाओ। क्या बोलूँ भाई, चलो नीचे चलते हैं। इधर कुछ भी नहीं है मुझे पता। ओके किसी नए रूम के अंदर आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। कौन सा रूम है भाई ये? ओहो इसी रूम के अंदर हमारा कार गिरा है और इसी रूम के अंदर से हम कार को लेके भागने वाले हैं। इधर भी एक लीवर लगा हुआ है, जाली लगा है, इसको लीवर को खींचते ही साथ से जाली खुल जाएगा। और इधर एक चाबी भी लगा हुआ है। क्या चाबी? पैडलॉक की। आई नीड ए पैडलॉक की। पैडलॉक की मिलेगा तो हम शायद से कार स्किप कर सकते हैं। और कार की मुझे मिल चुका है अभी तो। और ये सामान देखो ऊपर ही कैसे लटका हुआ है भाई, नीचे नहीं आया ये सामान। डिक्की ओपन कर सकते हैं क्या इसका? नहीं, इस गाड़ी के अंदर हम घुस सकते हैं बट डिक्की ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अरे इसका मतलब गाड़ी में बस सिर्फ चाबी लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो लीवर को खींचते और ओके ये वाला दरवाज़ा तो ओपन हो चुका है। अभी अंदर आ चुका हूँ मैं। ये क्या हुआ भाई, फिर से गिर गया? साउंड आती मुझे पता चल चुका। तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ कहाँ पाए भाई, ट्रैप लगा के रख दिया, परेशान कर दिया इन लोगों ने मिल के मुझे। आजा आजा आजा, कोई ना मरने वाला हो कम, मरने वाला हो भाई मैं। छुपने की कोशिश, हाँ छुप गया भाई, छुप तो गया वो। बट ग्रैनी इस रूम के अंदर आते हुए मुझे देख लिया। देखते बच जाता हो कि मर जाता हो, क्या होगा? बच गया भाई, ग्रानी जा रहा है भाई साहब। ऐसा खुश किस्मत मैंने आज पहली बार हुआ, इससे पहले मुझे कभी भी ऐसा खुश किस्मत नहीं हुआ। मैं कोई ना, ग्रानी तो जा चुके हैं, अभी हम बाहर निकल सकते हैं। और ओ ओ ओ, ओ, ओ ये क्या हो गया भाई मेरे साथ? ये तो भाई गलत सीन हो गया भाई मेरे साथ। कितना डेज ख़त्म हो गया मेरा? आई थिंक 3 डेज ख़त्म हो चुका है अभी तक मेरा। ओ अभी ये day 3 है। कोई ना, हैमर लेके बाहर चलेंगे, ऊपर से डायमंड ले जाना पड़ेगा। अभी हम लाएंगे डायमंड भाई, मेरे पास भी अभी डायमंड होगा। चलो कोई ना, हैमर इधर ही गिरा था, इधर से हम फटाफट से उठा लेंगे। हैमर को उठाओ। चलो हैमर तो मैंने उठा लिया है अभी। और अरे ना ग्रानी चला जा, ग्रानी जा रहा है बाहर और मुझे भी जाना है बाहर, तो ग्रानी को क्यों बाहर जाने दे भाई? ग्रानी को इधर बुलाओ सबसे पहले। साउंड कर दिया, ग्रानी भागते भागते आ रहा है, उसका पति भी साथ उसका पीछे पीछे आ रहा है। जो भी आ रहा है आने देते, और मुझे जाना है बाहर ताकि कोई भी मुझे दिक्कत ना दे पाए। चलो भाग के आ चुको भाई मैं। ओके बाहर आ चुके बिना किसी टेंशन के। अभी तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता भाई, बहुत ही खुला एरिया है, कोई भी बाहर आएगा भाई मैं भागा उसको घुमा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी मुझे ऊपर जाना है ऐसे फटाफट से, और ऊपर तीनों प्लैंक को हटा के उधर से डायमंड वगैरह लेना है। और उधर से एक सुरंग टाइप का दिखा था उस रूम से बाहर निकलने का, वो रास्ता कहाँ पर जा रहा है ये भी मुझे पता करना है भाई। नया चीज़ यहाँ पर ढूंढने में मज़ा आ जाता है बहुत ही ज़्यादा। मैं तो आज इस गेम का सब कुछ यहाँ पर खोल कर रख दूँगा, सब कुछ देख लूँगा भाई कहाँ पर क्या मिलता है भाई साहब। चलो फटाफट प्लांक को तो अभी हटाते, ज़्यादा बकवास नहीं करते, काम करते हैं भाई। क्योंकि इस गेम के अंदर जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज़्यादा फोकस करोगे गेम के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छे से आप गेम को खेल पाओगे। तो अभी हमें फोकस करना है गेम की तरफ, ज़्यादा बातें नहीं करते। इधर से अच्छे से चीज़ मिल जाए भाई ड्रॉअर से, मज़ा आ जाए भाई। बट ड्रॉअर के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय
सिवाय का, सिवाय कुछ भी नहीं भाई, बाजू का ठुल्ला मिला। चलो इसको नीचे गिराते हैं, कौन से रूम है, आई थिंक आई डोंट नो, किसी न किसी रूम के अंदर तो गिरा है भाई। मैं जब नीचे जाऊंगा तब पता चल जाएगा। इधर के साइड से हटाने का कोई ऑप्शन नहीं इसको। चलो डायमंड उठाते, नीचे चलते, यस नीचे चलते, और उसके बाद हम जाएंगे बेसमेंट की तरफ और उस रूम को ओपन करते हैं। उस रूम के अंदर भी हमें खास कुछ नहीं मिलेगा, बस तीन दरवाजे मिलेगा। चलो देखते हैं उधर के साइड कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है हमें। अगर कुछ अच्छा से मिल जाए, ओके इधर क्या, ओके इसको तो मैंने काटा था पहले, वही चीज़ इधर के साइड भी है भाई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि ये बहुत गेम बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है भाई स्केप करने के लिए। सर ऐसा चीज़ें ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो अभी नीचे चलते हैं, देखते हैं उस रूम को ओपन करके हमें कुछ मिलता है कि नहीं, कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं, और हमें अभी तक ये पर शॉटगन का की नहीं मिला है। ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि शॉटगन का की मिलेगा ग्रैनी ज्ञान पापा भाई मारूंगा, उसके बाद ही तो मज़ा आएगा ना। गेम का असली मज़ा तो इन लोगों को मारने में भाई, खेलने से ज़्यादा इन लोगों को मारने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। चलो कोई ना, जब नहीं मिला तो हम क्या ही कर सकते हैं भाई, बदकिस्मत हमारा ही है। चलो ऐसे नीचे जाने का रास्ता है, नीचे चलते और देखते नीचे उस रूम को ओपन करके कुछ अच्छा सा हमें मिलता है कि नहीं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी तृप्ति कुछ भी बोलो जो भी हमें मिल सकता है भाई। क्योंकि अभी तो हमें सामान अगर एक दो मिल जाए तो उससे ज़्यादा तृप्ति खुशी मिल जाएगा मुझे भाई। ओके इधर के साइड कुछ भी नहीं पड़ा है, ये वाला डोर ये पर लॉक्ड है। ओके इधर क्या चाहिए, इधर तो चाबी लगा हुआ है, बेसमेंट की चाहिए होगा इसके लिए, बेसमेंट की तरफ जाने के लिए। ओके ये वाला डोर सच से ओपन है, हाँ ओपन है, पर यह पर खास कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि इससे पहले भी मैंने एक दो बार इस गेम को खेल चुका, एक ही बार खेला था शायद से, हाँ उसके अंदर भी मैंने इस जगह पे आया था, कुछ भी नहीं मिला था उस टाइम से। मुझे पता है कि इस जगह पे कुछ भी नहीं मिलता है भाई, बाबा जी का टुल्लू हाथ में देके भगा देते। कोई ना, इतना मेहनत से मैंने डायमंड ढूंढा पर ये पर कुछ भी नहीं मिला। एक दुख तो होता है भाई, बट दुख करने से दुख होने से कोई भी फायदा नहीं है, हमें मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, हारना नहीं है तो हमें सब कुछ हो सकता है। एक डायलॉग है आपको पता ही है कि जब लगेगा ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म होने वाला है तब पहले से सब कुछ शुरू करो, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा ज़िंदगी में जीने के लिए। भाई साहब जो शायरी बोलने की कोशिश कर रहा था उस टाइम में आके दिक्कत कर रहा है भाई, क्या बताएं भाई। लो उसको वैसे आहा हा करते करते आ चुका है उसका बाप, साले तेरी तो शॉटगन नहीं मिला भाई, गुस्सा उतरना है। अगर शॉटगन मिल जाता ना तेरा हालात में ख़राब कर देता भाई। अभी अभी मुझे एक चीज़ करना है, मेरे पास एक कार का की है, इसको लेके क्या बोलते हैं उधर कार जहाँ पर रखा है उधर चल के देख लेते कि हम उधर के साइड से सिर्फ तो ये पर कार की चाबी लेके मैं उधर आ चुका हूँ, जाने के लिए आ चुका हूँ, बट ऐसे तो मैं नीचे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा सा पीछे की पीछे जो जगह है ऐसे नीचे कूदना पड़ेगा। चलो फटाफट से ऐसे नीचे कूदते देखते हम ऐसे कार लेके भाग पाते कि नहीं सिर्फ चाबी की मदद से। मुझे तो नहीं लगता कि एस्केप कर पाऊँगा सिर्फ चाबी की मदद से, बट फिर भी कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है भाई साहब। चलो चाबी ओके कार के अंदर आ चुके, स्टार्ट करते भाई। ये पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बोले अभी आप स्केप नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें चाबी वगैरह और कुछ भी चाहिए होगा। तो चलो सबसे पहले ओके भाई, तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, वो बार मैंने कट कर दिया बट कुछ भी चीज़ नहीं मिला। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये पर पहले रूम से बाहर निकलने के टाइम मुझे चाबी मिला था,
जिससे हम नीचे वाला एक दरवाज़ा जहाँ पर कौन सी चाबी लाएगा ये नहीं बोल रहा है, तो उस रूम को हम ओपन कर सकते हैं। तो उस रूम का चाबी मैं लेने आया था बट ग्रैनी के इधर मार दिया मुझे, और इसके साथ मेरा लास्ट डेस्क भी आ चुका है। तो चलो अभी ऐसे लास्ट डेस्क के अंदर देखते हैं क्या कर पाते हैं, उस चाबी को लेकर चलते हैं और देखते हैं उससे हमें क्या होता है, चाबी कोई काम का चीज़ कर पाते है कि नहीं, देखते हैं भाई। यही लास्ट ऑप्शन है मेरे पास और इसके अलावा कोई तो ऑप्शन नहीं है। चलो अभी चाबी साथ से इधर ही किसी न किसी जगह गिरा होगा क्योंकि ग्रैनी ने मुझे इधर ही मारा था। भाई ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों मिलकर मेरे पीछे पड़ने वाले हैं अभी, क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया और ग्रैनी जा रहा है बाहर। कोई ना जाने देते, ओ भाई ग्रैंडपा इधर ही खड़ा हुआ। चलो इधर इसको बुलाते हैं सबसे पहले, उसके बाद पीछे किए निकल लेंगे। ग्रैंडपा ओ भाई नौसे पर्टो आ रहा है, उसका दामाद दामाद और ससुर दोनों मिलकर मेरे पीछे पड़ चुका है अभी। रुक जाओ अभी दोनों को इधर बुलाना पड़ेगा सबसे पहले। साउंड कर दिया, दोनों इधर आ चुके आई थिंक अभी तो, हाँ दोनों के दोनों आ चुके। फटाफट से निकलो नहीं तो पकड़ लेगा भाई। ओके फटाफट से भाई, अभी तो वस में निकल चुका हूँ और नीचे चलते हैं अभी इसको लेके। और ग्रैनी गया है बाहर तो मुझे इधर के साइड कोई दिक्कत नहीं करने वाले, बस ये दोनों ना आ जाए। ये दोनों मिल के अगर आ जाएगा तो दिक्कत होगा, उसके अलावा आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और अभी तो इस दरवाजे के पास भी आ चुका, यही वाला दरवाज़ा आई थिंक इससे ओपन हो जाएगा। ओके भाई ओपन हो चुका है, और इधर के साइड कुछ सामान भी पड़ा है। चलो देखते हैं ये पर क्या पड़ा है। कॉस्मिक गन भाई, इसके हम क्या कर सकते हैं। और इधर के साइड कोई ऑप्शन भाई, इधर क्या लगा हुआ है। ओके ये पिक्चर था, गिर चुका है भाई, अभी चेयर में अटक गया इसलिए नहीं नीचे गिर रहा है। और इधर के साइड स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी हम कुछ कर सकते हैं। और इधर एक गान भी मिला है जिससे आई थिंक वहाँ पर एक जगह था जहाँ पर शूट करने से कुछ ना कुछ होता है, इस गान के मार आई थिंक वहाँ पर शूट करना पड़ेगा। शूट करने से भी उधर कुछ तो दो रास्ता हमें तो खुल चुका है एक गान मिलने से। और इधर इसके ऊपर लटका है, मुझे लग रहा था कि इधर कोई ना कोई सामान होगा। ओके कोई तो नहीं है, अभी बाहर चलते हैं देखते हैं। और इससे एक साउंड टाइप का रहा जिससे आई थिंक ग्रैनी ग्रैंडपा आ रहा होगा, क्योंकि इससे एक साउंड निकल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा पता नहीं पर हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। इस गान ने हमें तो एक ऑप्शन दे दिया है बट क्या होगा पता नहीं। चलो ओ भाई इधर देखो ग्रैनी ग्रैंडपा भाग रहा है आई थिंक ऐसे। ओ भाई साहब ये क्या हुआ भाई, एक से कुछ लाइट टाइप का और दोनों मर गया है भाई। इधर तो टिप टिप करके बम टाइप का कुछ आवाज़ हो रहा है भाई। ओ भाई इन से भी टारे मारो, ये क्या हो गया भाई, मैं भी कैसे मर गया भाई। लास्ट ऑप्शन में ऐसे क्यों हो गया भाई, मैं कैसे मर गया, उधर उसको ही तो मैंने मारा था। आई थिंक इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, इसका रेंज का आसपास कोई भी रहेगा वो मर जाएगा ऐसे ही लग रहा है भाई। आज तो बहुत मेहनत के बाद भी मैंने स्किप नहीं कर पाया बट कोई ना, बहुत चीज़ मैंने एक्सप्लोर कर लिया। इसके दूसरे गेम में हम 100% स्किप करने वाले। चलो मिलते दूसरी किसी में, मेहनत के लिए तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।